हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करेंगे एनडीए जीएटी का फिजिक्स पार्ट। पहले उन क्वेश्चंस को करेंगे जो अनएक्सपेक्टेड थे। बच्चे मुझसे क्लास में भी कहते थे कि सर हमें रोटेशनल मोशन से कुछ नहीं पूछा जाता, आज तक कभी कोई प्रॉब्लम एनडीए में रोटेशन से नहीं आया। पर इस बार ऐसा हुआ कि दो प्रॉब्लम्स रोटेशनल मोशन से पूछी गई। हालांकि बहुत ईजी प्रॉब्लम्स हैं पर बच्चे उनके फॉर्मूले भी पढ़कर नहीं गए थे, इसलिए बहुत से बच्चों ने उसे अटेम्प्ट किया, बहुत सो ने छोड़ दिया। पहला क्वेश्चन मेरे पास है सेट सी, उसमें 116 नंबर। अ थिन डिस्क एंड थिन रिंग बोथ हैव मास कैपिटल एम एंड रेडियस कैपिटल आर, बोथ रोटेट अबाउट एक्सिस थ्रू देयर सेंटर ऑफ मास एंड आर परपेंडिकुलर टू देयर सरफेस एट द सेम एंगुलर वेलोसिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शंस में बात हो रही है काइनेटिक एनर्जी की, तो यहां बात हुई है एक थिन डिस्क की और एक थिन रिंग की। दोनों के मासेस सेम है और दोनों के रेडियस भी सेम है और दोनों अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। तो आपको याद आना चाहिए था कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर जब वो अपनी ओन एक्सिस के अबाउट रोटेट होती है, about the axis passing through center of mass and perpendicular to its surface. Center of mass disc का और ring का दोनों का geometrical center पर होता है। यह ring, ring का moment of inertia mr square, इनके moment of inertia। बात यहां हुई है kinetic energies को हमें compare करना है, हमको बताना है ring और disc में से किसकी kinetic energy कम या ज्यादा होगी। अभी options देखेंगे। तो kinetic energy आपको याद आना चाहिए थी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। भूलते हैं तो ये याद आता आपको हाफ एम वी स्क्वायर, ये ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, एम इज मास, वी इज वेलोसिटी। तो रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में भी हाफ आता है, यहां मास आया है तो रोटेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां वी है लीनियर वेलोसिटी तो यहां हो जाती है एंगुलर वेलोसिटी। अब इस क्वेश्चन पर्टिकुलर में ओमेगा सेम है, यानी काइनेटिक एनर्जी मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो 116 का आंसर हो गया ए। अभी क्वेश्चन नंबर 129। अब यहां बात हो रही है किसी सॉलिड डिस्क की, सॉलिड डिस्क और दूसरी रिजिड बॉडी है सॉलिड स्फीयर। हमको बताना क्या है, हमको बताना है इन दोनों में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो केवल फॉर्मूले भी आपको मालूम होते तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर लेते। ऐसा बोला हुआ है सेम मास सेम रेडियस, सेम मास सेम रेडियस की एक सॉलिड डिस्क और दूसरा है सॉलिड स्फीयर। विच वन हैज द हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो कुछ बच्चे तो इसका आंसर ही जानते होंगे, डिस्क के लिए हाफ एम आर स्क्वायर और यह है 2/5 एम आर स्क्वायर। 2/5 एम आर स्क्वायर मतलब 0.4 एम आर स्क्वायर एंड हाफ एम आर स्क्वायर मतलब 0.5 एम आर स्क्वायर। ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क इज लार्जर और यही हमसे पूछा था, एंड सो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। 129 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130। टू सब्सटेंसेस ऑफ डेंसिटीज रो वन एंड रो टू आर मिक्सड। रो वन रो टू डेंसिटी के दो लिक्विड और इनको मिक्स किया, पहले इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम्स में इनको जब मिक्स किया तब रिलेटिव डेंसिटी वो मिली 4। व्हेन दे आर मिक्स इन इक्वल मासेस, जब इन्हीं दो लिक्विड्स को जिनकी डेंसिटीज रो वन रो टू है इक्वल मासेस इनके कंबाइन किए गए मिक्स किए गए तब रिलेटिव डेंसिटी मिली 3। हमको बताना है रो वन और रो टू की एब्सोल्यूट वैल्यूज कितनी कितनी है। ऑप्शंस हैं 6-2 पहला ऑप्शन, 3-5, 12-4 एंड 9-3। ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे करते हैं तो कुछ फॉर्मूले हमको बनाने पड़ेंगे। आप फॉर्मूले देखेंगे बड़े आसान फॉर्मूले हैं और फिर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके हमको करेक्ट आंसर फाइंड करना है। तो क्या बोला हुआ है, पहले रो वन रो टू डेंसिटी के दो लिक्विड्स इक्वल वॉल्यूम में लिए, मान लो वॉल्यूम है V,
ये पहला लिक्विड डेंसिटी रो वन वॉल्यूम वी, डेंसिटी रो टू वॉल्यूम वी, इनको कंबाइन किया और हमको डेंसिटी मिली मान लो रो, वॉल्यूम क्या होगा 2V। अब डेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद लाना पड़ेगा, डेंसिटी हम D1 सपोज कर लेते हैं मिक्सिंग के बाद, तो जानते होंगे आप डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो डेंसिटी D1 कितनी होगी, तो हमको चाहिए होगा ऊपर टोटल मास, नीचे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम तो है 2V, मास कितना होगा, तो मास यहां से निकाल लें, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, यानी V rho 1 प्लस V rho 2, वी कैंसिल आउट, Rho 1 प्लस Rho 2 बाई 2, ये अरिथमेटिक मीन है। अब नेक्स्ट टाइम इक्वल मासेस लिए हैं, Rho 1 Rho 2 डेंसिटीज इक्वल मास, टोटल मास 2m हो जाएगा और डेंसिटी है मान लो D2, इन दिस केस D2 इज क्या होगा, D2 नीचे हमको चाहिए टोटल वॉल्यूम, ऊपर टोटल मास 2m अपॉन, नीचे क्या आना है, नीचे आना है वॉल्यूम, अब वॉल्यूम पता नहीं है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, यानी m बाय रो 1 और ये होगा m बाय रो 2, ये यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाय रो 1 प्लस 1 बाय रो 2, m कैंसिल आउट, सॉल्विंग के बाद ये आ जाएगा 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, क्लास में भी ये फॉर्मूले हमने डिस्कस किए हुए हैं, तो ये अरिथमेटिक मीन और ये हार्मोनिक मीन। अब ये रिलेटिव डेंसिटी कैसी हुई, तो वाटर से यदि कंपेयर करेंगे तो वाटर से जो कंपैरिजन है, वाटर की डेंसिटी वो तो कैंसिल आउट हो जाती है, हमको बोला हुआ है, क्या बोला है, जब इक्वल वॉल्यूम्स में हमने इनको कंबाइन किया है तो ये है 4, ये 4 क्या है, ये D1 का वैल्यू अरिथमेटिक मीन, और ये 3 क्या है, ये हार्मोनिक मीन, 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। अब आप क्वाड्रेटिक वगैरह बना के इसको या तो सॉल्व करेंगे और या फिर ऑप्शन से वैल्यूज वहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो वैल्यूज सेटिस्फाई करेंगे वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दे रखे हैं आपको ऑप्शंस, और अच्छा किया है उन्होंने कि पहले ही ऑप्शन से ये दो वैल्यू 6 और 2 इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, आप देख सकते हैं रो 1 प्लस रो 2 मतलब 8 बाय 2 इज 4 करेक्ट है, 2 रो 1 रो 2 6 2 जा 12 2 जा 24 अपॉन 8 8 3 24, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, 130 का ऑप्शन ए। अब सीधे क्वेश्चन नंबर 80 करेंगे, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम बेंगलुरु गोज 50 किलोमीटर इन अ स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स साउथ, क्वेश्चन नंबर 80, ए कार बेंगलुरु से स्टार्ट हुई और 50 किलोमीटर जाती है टुवर्ड्स साउथ, 50 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ, ये हमारी डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ, तो पहले हो गई साउथ में, इमीडिएटली टर्न्स अराउंड एंड रिटर्न्स टू बेंगलुरु, वापस आ जाती है बेंगलुरु, द टाइम टेकन फॉर दिस राउंड ट्रिप इज 2 आवर्स, राउंड ट्रिप मतलब वापस वहीं आने में टोटल टाइम 2 आवर का लगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर दिस राउंड ट्रिप तो कितना होगा, 0, कि हमसे बोला हुआ है एवरेज वेलोसिटी, बस यही गड़बड़ हो सकती थी, कुछ बच्चों को लगा होगा कि जाने और वापस लौटने में आप हार्मोनिक मीन लगाते हैं एवरेज स्पीड के लिए, तो क्या था वो फॉर्मूला, V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, जाने आने की स्पीड यदि V1 V2 होती है तो एवरेज स्पीड का वो फॉर्मूला, उससे कंफ्यूज हो सकते थे, हमसे पूछा एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का मतलब होगा यहां आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट जो 0 है, यहां टोटल टाइम, आंसर इज 0, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो 80 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 84, एक नेटवर्क दिया हुआ है, एक सर्किट, हमको बताना है टोटल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द गिवन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो 3 रेजिस्टर्स हैं जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, 2 ओम 4 ओम एंड 8 ओम, और इस ग्रुपिंग के साथ एक रेजिस्टर सीरीज में लगा हुआ है 1 ओम का, ये 1 ओम, दिस इज 2 ओम 4 ओम एंड 8 ओम, हमको बताना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए बी लिखा नहीं था, हमको इसके अक्रॉस ही इक्विवेलेंट चाहिए, क्वेश्चन नंबर 84, मैं क्लास में बता चुका हूं कैसे सवालों को कैसे करना चाहिए, आर इक्विवेलेंट आप ऐसे लिख लो 2 पी 4 पी 8,
S1। अभी डिफिकल्ट लग रहा है पर यही आसान तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इन दोनों का एक बना लें, और दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो आपको मालूम होगा प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी 32 बाय 12 और सीरीज के लिए प्लस साइन लगा दो। अब इन दोनों का फिर पैरेलल फॉर्मूला लगाओ, इसके पहले आप चाहो तो इनको कैंसिल कर सकते हो, 2 से कैंसिल, 4 से ही कैंसिल हो जाएगा, 8 और ये 3 हो जाएगा, और फिर प्रोडक्ट अपॉन सम करेंगे तो 2 × 8/3 अपॉन 2 + 8/3 + 1, तो क्या होगा, 3 तो कैंसिल होने वाला है, यहां बचेगा 16, 8 × 6 = 14 + 1, तो क्या हुआ ये 16 और 14, ये हो गया 30 बाय 14, 2 से कैंसिल कर दें तो 15/7 ओम। आसानी से इस आंसर तक आप पहुंच जाएंगे, ऑप्शंस थे 15/8, 15/7, 15 और 17/3, सो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट 84 बी। तो अभी तक हम देख रहे थे सब ऑप्शंस ए आ रहे थे, अब ये बी आया है। तो अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, 85 लगे हाथ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लेंसेज इज नॉट करेक्ट, इसमें गड़बड़ होती है, बच्चे ध्यान से देखते ही नहीं, उसमें लिखा है नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको देखना है इसमें से। पहला क्या लिखा, कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल, बिल्कुल सही है, कॉन्वेक्स लेंस रियल वर्चुअल दोनों इमेजेस फॉर्म करता है। सेकेंड, अ कॉनकेव लेंस प्रोड्यूसेस बोथ रियल एंड वर्चुअल, बस यही गड़बड़ थी, ऑप्शन नंबर बी ये इनकरेक्ट था, जो हमारा आंसर होगा यानी 85 का आंसर बी करेक्ट हो गया। कॉनकेव लेंस में आपको याद होगा केवल वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, अगले दोनों ऑप्शंस भी सही हैं, कॉन्वेक्स लेंस कैन प्रोड्यूस इमेजेस इक्वल ग्रेटर एंड स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें तीनों पॉसिबिलिटीज हैं। कॉनकेव लेंस ऑलवेज प्रोड्यूसेस इमेजेस स्मॉलर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, कॉनकेव लेंस हमेशा डिमिनिश्ड इमेजेस फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स लेंस तीनों तरह की, मे बी मैग्निफाइड, डिमिनिश्ड और सेम साइज। तो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन ए था, आंसर इज ए। अब आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं 83 प्रॉब्लम नंबर 83 में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है। इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम इज जीरो, वर्क डन जीरो, तो इक्वेशन आपको यह याद आ जानी चाहिए थी, क्या पढ़ा हमने, डेल्टा क्यू इज डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये वर्क डन और ये हीट गिवन और टेकन। क्या बोला है, वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम इज जीरो, मतलब ये तो जीरो हो गया है वर्क डन, तो क्या हुआ है क्यू बराबर यू, मतलब यदि आप एनर्जी देंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी, और यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए ही सही हो गया है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फ्लो ऑफ हीट इन और आउट ऑफ द सिस्टम, देंगे सिस्टम को एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, ले लेंगे एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो 83 का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब सभी थ्योरेटिकल हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं। एक ग्रेविटेशन से सवाल करते हैं, सवाल नंबर 69 ग्रेविटेशन की प्रॉब्लम है। टू बॉडीज ऑफ मास एम ईच आर प्लेस्ड आर डिस्टेंस अपार्ट इन द अनदर सिस्टम, टू बॉडीज ऑफ मास 2m आर प्लेस्ड टू आर बाय 2 डिस्टेंस अपार्ट, मतलब दो केसेस हैं, एक बार दो बॉडीज कैपिटल एम मास की आर डिस्टेंस पर रखी हुई हैं, नेक्स्ट टाइम 2m मास की दो बॉडीज आर बाय 2 डिस्टेंस पर रखी हुई हैं। इफ एफ बी द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द बॉडीज इन फर्स्ट सिस्टम, मतलब जब दोनों मासेस m है डिस्टेंस r है तब फोर्स यदि f हो तो हमको इस केस में फोर्स f डैश मैंने कह दिया उसे वो बतलाना है। तो 16f 1f 4f नन ऑफ द अबव ये आंसर्स दिए हुए, तो क्या करेंगे f डैश अपॉन f। अब आपको मालूम है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता है, तो ये लेंगे ऊपर f डैश से करस्पॉन्डिंग मासेस, तो क्या आएगा 4m स्क्वायर और नीचे m स्क्वायर, तो कट जाएगा, तो 4 बच गया है यहां से। नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है उसको ऊपर लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस का इनवर्स
प्रोपोर्शन होता है फोर्स के साथ, तो ये ऊपर आएगा आर स्क्वायर, नीचे आएगा आर बाय टू स्क्वायर, मतलब आर बाय स्क्वायर बाय फोर, ये वन बाय फोर है, रेसिप्रोकेट होकर ये 16 हो जाएगा, तो एफ डैश इज 16 एफ आर स्क्वायर, तो कैंसिल हो गया, मतलब फोर्स इन द सेकेंड सिस्टम विल बी 16 एफ, एंड सो अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो 69 का ऑप्शन ए करेक्ट है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, यह है पेंडुलम का क्वेश्चन। पेंडुलम आप जानते हैं, पेंडुलम यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड, क्वेश्चन नंबर 67, 2 पाई रूट एल बाई जी, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, एल इज इफेक्टिव लेंथ एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या बोला, पेंडुलम क्लॉक इज लिफ्टेड टू हाइट वेयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैज अ सर्टेन वैल्यू जी, अनादर पेंडुलम क्लॉक ऑफ सेम लेंथ बट ऑफ डबल द मास ऑफ द बॉब इज लिफ्टेड टू अनादर हाइट वेयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज जी बाई टू, द टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम वुड बी, टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड पेंडुलम विल बी, सेकेंड पेंडुलम क्या होता है, सेकेंड पेंडुलम मतलब जिसका टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड। तो क्या बोला हुआ है, पेंडुलम क्लॉक इज लिफ्टेड टू हाइट वेयर द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हैज अ सर्टेन वैल्यू जी, यह पहला प्लेस जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, अनादर पेंडुलम क्लॉक ऑफ सेम लेंथ, मान लो पहले लेंथ थी एल तो अभी भी लेंथ कितनी है एल, पर मास बॉब का कितना हो गया है, पहले यदि एम था तो अब वो हो गया एम बाई टू नेक्स्ट केस में, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी बाई टू, ऐसा है केस। तो पहले मास की तो कहानी खत्म करें, मास पर डिपेंड करता ही नहीं है टाइम पीरियड, पहले टाइम पीरियड कितना था, तो पहले टाइम पीरियड था 2 क्योंकि वो था सेकंड पेंडुलम, और अब हमको बताना है सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड अब कितना हो जाएगा। तो लेंथ तो सेम है, 2π सेम है, यानी t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ g, तो नया टाइम पीरियड t डैश अपॉन पुराना, इसको आप चाहें तो 2 लिख लें, इज इक्वल टू क्या होगा, इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ g है, नया g अपॉन पुराना g, ऐसा हो गया, तो t डैश इक्वल्स टू हो गया 2 अपॉन रूट 2, तो ये हो जाएगा रूट 2 के बराबर, रूट 2 और t लिख सकते हैं आप चाहें तो उसको 2t कह लें, तो रूट 2t, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंड सो 67a हो गया है। अब एक फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा, क्या बोला है, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन, लाउडनेस आपने सुना हुआ डेसिबल, उसकी यूनिट होती है, लाउडनेस ऑफ साउंड वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन द मीडियम, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी। तो डायरेक्ट नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे आपको पता होना चाहिए कि लाउडनेस का लेना देना है एम्पलीट्यूड से, एंड सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव 68b। तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, उनको तो देखकर ही आप आंसर कर सकते थे, जैसे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 70, लाइट रेज मूव इन स्ट्रेट लाइंस बट थ्रू एन ऑप्टिकल फाइबर, तो जैसे ही आप ऑप्टिकल फाइबर सुनते हैं आपको मालूम है पाथ होता है zigzag, तो यही बोला हुआ है, दे कैन मूव इन एनी टाइप ऑफ zigzag पाथ बिकॉज, तो आप जानते हैं वहां तो होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसीलिए zigzag पाथ बोला हुआ है, ऐसा पाथ होता है लाइट रेस का, वो टकरा टकरा कर एक एंड से दूसरे एंड पर पहुंचती है, तो zigzag पाथ क्यों, क्योंकि हर बार TIR होता है जब वो टकराती है वॉल्स से ऑप्टिकल फाइबर के, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 70 ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब 71, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही दिख रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैथोड रेज इज नॉट करेक्ट, कैथोड रेज आप जानते होंगे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, उन्हीं को कहते हैं कैथोड रेज, पहला ऑप्शन है कैथोड रे पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, इज इट इनकरेक्ट, क्योंकि हमको इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए नॉट करेक्ट तो अंडरलाइन कर लेना चाहिए नॉट करेक्ट, जल्दबाजी में हम करेक्ट ऑप्शन को ही करेक्ट मानकर आंसर लगा कर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है, नॉट करेक्ट ढूंढना है, कैथोड रे पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन इज करेक्ट, तो हमारा आंसर नहीं है, कैथोड रे पार्टिकल्स स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टूवर्ड्स कैथोड, रॉन्ग, कैथोड से शुरू होकर एनोड पर जाती है कैथोड रेज, वो जो मेटल का रहता है इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है वो, तो
उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन है 71, ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि आगे बोला हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैथोड रेस ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस, ये तो करेक्ट है। टेलीविजन पिक्चर ट्यूब्स आर कैथोड रेस ट्यूब, सीआरटी आपने सुना होगा पुराने टेलीविजन में, तो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट और वही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं, वाटर इज हीटेड विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ डोमेस्टिक सप्लायर, द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर विल डिपेंड अपॉन, क्या बोला है, वाटर इज हीटेड विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ डोमेस्टिक सप्लायर, वी कॉन्स्टेंट हो गया, द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर विल डिपेंड अपॉन नंबर वन सप्लाई वोल्टेज, दूसरा करंट पासिंग थ्रू द कॉइल, थ्री टाइम फॉर विच वोल्टेज इज सप्लाई, तो ऑल द थ्री आर करेक्ट, क्योंकि आप जानते हैं बात हो रही है हीट प्रोड्यूस्ड की और हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा वी आई टी, वी पर, आई पर और टी पर, एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट 66, ऑप्शन ए इज करेक्ट 66, ए इज करेक्ट। हाँ चलो कर दिया भाई, ठीक है मेरे खड़े रहो दो मिनट बस, अभी अभी क्वेश्चन नंबर 51, कंपेयर्ड टू ऑडिबल साउंड वेव्स अल्ट्रासाउंड वेव्स हैव, कंपैरिजन करवा रहे हैं ऑडिबल साउंड वेव्स का और अल्ट्रासाउंड वेव्स का, तो दोनों में फर्क सिर्फ फ्रीक्वेंसी का होता है। यहां बोला हुआ है हायर स्पीड, मतलब ऑडिबल साउंड वेव्स के कंपैरिजन में अल्ट्रासाउंड वेव्स की स्पीड ज्यादा होती है, ऐसा बोला है। नो, स्पीड ये मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स इलास्टिसिटी डेंसिटी इससे तय होती है स्पीड, और ऑडिबल साउंड हो या अल्ट्रासोनिक दोनों सेम स्पीड से मूव करेंगे यदि मीडियम सेम हो, यानी ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है हायर फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रासाउंड मतलब ही हायर फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल रेंज आप जानते हैं 20 to 20,000 hertz, और जो वेव्स 20,000 hertz से ज्यादा की होती हैं वो कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 51, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 52, न्यूमेरिकल टाइप है, क्या बोला हुआ है हमसे, अ रिजिड बॉडी ऑफ मास 2 kg, एक 2 kg मास की बॉडी है, ड्रॉप फ्रॉम अ स्टेशनरी बैलून केप्ट एट अ हाइट ऑफ 50 meter, 50 मीटर की हाइट पर एक स्टेशनरी बलून है उससे इस बॉडी को गिराया गया है, तो बोल क्या रहे हैं, द स्पीड ऑफ द बॉडी व्हेन इट जस्ट टचेस द ग्राउंड एंड द टोटल एनर्जी व्हेन इट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बलून आर रेस्पेक्टिवली, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखा है 9.8 meter per second square, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले क्या पूछा हुआ है, पहले पूछा है स्पीड ऑफ द बॉडी when it touches the ground and total energy when it is dropped from the balloon are respectively, तो energy कौन सी होगी, यदि m mass की body h height पर हो तो gravitational potential energy, एक कम से यही पूछा हुआ है second part में, और फिर पूछा है कि जब ये ball यहाँ टकराएगी, ये body यहाँ टकराएगी तब उसकी speed क्या होगी, तो conservation of mechanical energy लगा देना है, potential energy is equal to kinetic energy, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, एम कैंसल आउट होता है तो वी बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh, तो बस यहाँ वैल्यूज डालना है, 2g इज 9.8, हाइट इज 50, ये हो गया 100, तो रूट 980, इसको सॉल्व तक नहीं किया है, यही हमको आंसर पूछा हुआ है, ये आंसर हो गया मीटर सेकेंड माइनस वन, यानी स्पीड जब वो ग्राउंड को टच करती है वो हो गया है रूट 980 मीटर पर सेकेंड, रूट 90 मीटर पर सेकेंड, और दूसरा क्या बोला हुआ, mgh यहां से, तो मास इज 2 kg, g इज 9.8, हाइट इज 50, ये 980 जूल हो जाएगा, तो बस पहला ऑप्शन ये 980 मीटर पर सेकेंड, दूसरा 980 जूल, एंड सो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, दिल्ली डी इज करेक्ट 52D, Delhi is correct. अब next question है 53 number. The temperature of a place on a sunny day is 113 in Fahrenheit scale. The Kelvin scale reading of this temperature will be 113. ये question number 53 कर रहा हूँ मैं. 113 Fahrenheit को हमको convert करना है Kelvin में. ये question है.
मैंने आपको क्लास में भी बताया कि ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है तो आप अप्रॉक्सीमेशन भी कर सकते हैं। तो 113 फ़ारेनहाइट पर ये टेम्परेचर माइनस फ़ारेनहाइट स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट 32 अपॉन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ऐसा हो जाएगा इज इक्वल टू केल्विन, केल्विन माइनस क्या होगा यहां 273 अपॉन 373 माइनस 273 दैट इज 100। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा और मेरे ख्याल से इसका आंसर सॉल्व करने पर यह आएगा 318 केल्विन, 318 केल्विन एंड सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट 53 ए। तभी नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है तो लाइट भी होती है उसमें इंफ्रारेड भी, और इंफ्रारेड में कौन सी वाली शॉर्ट वेवलेंथ लाइट एंड शॉर्ट वेवलेंथ इंफ्रारेड एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब 55 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पूछा हुआ है। पहला है दे आर इलास्टिक वेव्स, नो इलास्टिक वेव्स मतलब मैकेनिकल वेव्स जिसमें इलास्टिसिटी डेंसिटी की प्रॉपर्टी और ऐसे मीडियम में ट्रेवल करने वाली वेव्स इलास्टिक वेव्स होती हैं, सो ऑप्शन वन इज नॉट करेक्ट। दे कैन मूव इन वैक्यूम, ये बोला हुआ है अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो वो तो वैक्यूम से मूव कर सकती हैं, बिल्कुल सही है, तो टू इज करेक्ट। दे हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इसीलिए तो उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन होते हैं। नंबर फोर दे मूव विद स्पीड इक्वल टू 300,000 meters per second, 300,000, मेरे ख्याल से इसको 300,000 होता तो ये सही होता, ऑप्शन फोर इज नॉट करेक्ट, सो ओनली 2 and 3 आर करेक्ट, तो 2 and 3 ओनली इज ऑप्शन सी, इसका आंसर हो जाएगा सी 55 सी। नाउ विल कम डायरेक्टली टू 80, आगे बढ़ते हैं 81 क्वेश्चन, ये भी थ्योरेटिकल है, द सम ऑफ ईएमएफ्स एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस अराउंड अ क्लोज लूप इक्वल जीरो इज अ कंसीक्वेंस ऑफ, तो हमने केवीएल केसीएल पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया था कि केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल वो बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और एक और हमने पढ़ा है जंक्शन रूल या केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ वो बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यहां पर वो लूप रूल के बारे में बात हो रही है और ये बेस्ड है ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 81 ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, अ स्टूडेंट मेजर्स सर्टेन लेंथ यूजिंग अ मीटर स्केल हैविंग लीस्ट काउंट ऑफ 1 millimeter, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स इज मोर प्रिसाइज, लीस्ट काउंट 1 millimeter है तो इसमें से कौन सबसे ज्यादा प्रिसाइज है ये देखना पड़ेगा हमको, सबसे ज्यादा प्रिसाइज के लिए हम क्या करेंगे, लीस्ट काउंट मिलीमीटर पर तो मिलीमीटर वाले देखें दोनों, 910 मिलीमीटर और 0.5 मिलीमीटर, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर डी करेक्ट होना चाहिए, 82 ऑप्शन डी इज करेक्ट, सिग्निफिकेंट फिगर्स हम देखेंगे एक्चुअली, 82 डी इज करेक्ट। फिर 118 इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना डू हीट वेव्स ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवलिंग तो रेडिएशन है सीधे सीधे, इसका आंसर ज्यादा भटकना नहीं है, कंडक्शन नहीं कन्वेक्शन नहीं, रेडिएशन में थर्मल रेडिएशंस में स्ट्रेट लाइन पाथ पर स्पीड ऑफ लाइट से रेडिएशंस मूव करते हैं, थर्मल रेडिएशन, रेडिएशन ये एक मेथड है जिससे विदाउट मीडियम हीट एनर्जी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर पहुंच जाती है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 118 ऑप्शन सी इज करेक्ट। 119 ये ओम्स लॉ पर पूछा हुआ क्वेश्चन है, अब आप इस पर ध्यान देंगे, सब पढ़ रहे होंगे आप जब ये क्वेश्चन, तो आप देखेंगे कि ये बात होती है कंडक्टर पहले में, दूसरे में कंडक्टिंग, तीसरे में कंडक्टिंग, तो कंडक्टर इसी ओम्स लॉ को ओबे करते हैं स्ट्रिक्ट से आप चौथे वाले को, ऑल होमोजीनियस मेटीरियल्स, नो
ऐसा लिखा ऑल होमोजीनियस मटेरियल्स ओबे ओम्स लॉ इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द फील्ड इज विद इन रेंज और स्ट्रॉन्ग. तो ऐसा नहीं है, हर होमोजीनियस मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, ओबे नहीं करता, कंडक्टर्स ओबे करते हैं. सो ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है और हमको इनकरेक्ट ऑप्शन ही ढूंढना था. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 119 का डी. नेक्स्ट है 120 और 128. 120 व्हेन अ बॉल बाउंसेस ऑफ द ग्राउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस सडनली, अज्यूम नो लॉस ऑफ एनर्जी टू द फ्लोर. सडनली पर ध्यान दें, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी नहीं, स्पीड नहीं, मोमेंटम सडनली चेंज हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी, क्योंकि वो बाउंस ऑफ बोला हुआ है तो मोमेंटम सडनली चेंज होता है. एंड सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, 120 ऑप्शन बी इज करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन 88. सोप्स क्लीन सर्फेसेस ऑन द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन विस्कोसिटी, फ्लोटेशन, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन. तो ये क्लीनिंग की फिजिक्स पूछी हुई है. आप जानते होंगे कि पानी में जब सोप मिला दिया जाता है, सोप है स्पैरिंगली सोल्यूबल, मतलब हाईली सोल्यूबल नहीं है, स्पैरिंगली सोल्यूबल है. और स्पैरिंगली सोल्यूबल यदि इंप्यूरिटी होती है किसी लिक्विड में मिलाएं तो सरफेस टेंशन कम हो जाता है. तो पानी में जब सोप मिलाएंगे, सरफेस टेंशन कम होने से वो कपड़ों पर अच्छी तरह फैलेगा. तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 88 ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ 128. तो 128 में क्या बोला है, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सीलरेशन. क्वेश्चन नंबर 128 काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट अ नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सीलरेशन फॉर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम देन द डिस्टेंस इट कवर्स इन दैट टाइम. नॉन जीरो कांस्टेंट एक्सीलरेशन पूछा है डिस्टेंस के बारे में, तो क्या क्या नहीं हो सकता. डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम. ये तो गलत है, लीनियरली विद टाइम डिस्टेंस नहीं बदलता क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात हो रही है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो डिस्टेंस के लिए हम ये इक्वेशन यूज करते हैं. तो एस इज नॉट वेरिंग डायरेक्टली टू या लीनियरली विद टाइम. तो ऑप्शन सी तो इनकरेक्ट है. फिर डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, ये मुझे करेक्ट लग रहा है क्योंकि यहां इनिशियल वेलोसिटी अपीयर होती है तो डिपेंड्स ऑन इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऐसा नहीं है. इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा हुई तो डिस्टेंस कवर भी ज्यादा होगा. और डिपेंड्स ऑन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इससे कोई लेना देना नहीं है. तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 128 का ए. इस तरह हमने क्वेश्चन सॉल्व किए. इसमें भी आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप करके आप डाउट भी पूछ सकते हो और मुझसे बात भी कर सकते हो. अब अगला बैच स्टार्ट हम करेंगे दिसंबर में, तो यदि आपकी फिजिक्स वीक हो और यदि आप इम्पिटस ज्वाइन करते हैं तो मेरा भरोसा है कि आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी. कम से कम अगले अटेम्प्ट में आप 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 20 भी यदि करेक्ट कर लेते हैं फिजिक्स के तो आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी. थैंक यू वेरी मच.